अब ये जानते हैं कि SSRIs अपने काम को संपादित करने में, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को लाने में 2 से 8 सप्ताह का समय क्यों ले लेते हैं। तो देखिए होता ये है, मैंने आपको बताया कि SSRI जो होते हैं वो रीअपटेक, मतलब जो सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है साइनेप्टिक क्लैफ्ट पे, उसके रीअपटेक को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा साइनेप्स में सीरोटोनिन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अब ये चारों ओर सीरोटोनिन की उपलब्धता बढ़ती जाती है, लेकिन सीरोटोनिन बहुत ज्यादा साइनेप्स में ना आ जाए इसके चेक के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें रिसेप्टर होते हैं 5ST1A रिसेप्टर। इनका काम यह होता है कि ये अपने पेरिफेरी में जो अवेलेबल सीरोटोनिन है उसको सेंस करते हैं और सीरोटोनिन 5ST1A रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और जो 5ST1A के एक्टिवेशन से होता है वो होता है डिक्रीज फायरिंग ऑफ सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन। मतलब जब इस 5ST1 रिसेप्टर ने सीरोटोनिन की अवेलेबिलिटी को सेंस किया तो यह नेगेटिव फीडबैक देता है न्यूरॉन को, और यह जो फायरिंग होनी चाहिए इस न्यूरॉन की सीरोटोनिन को रिलीज करने के लिए, यह फायरिंग रुक जाती है। अब आप सीरोटोनिन के मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन 5ST1A रिसेप्टर सीरोटोनिन को सेंस कर रहा है और एक्टिवेट हो रहा है सीरोटोनिन से, और 5ST1A के एक्टिवेशन से हो ये रहा है कि जो ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन है इसकी फायरिंग कम हो जा रही है, घट जा रही है। फायरिंग के कम होने से जो ये सीरोटोनिन का रिलीज होना चाहिए साइनेप्स में यह घट जा रहा है। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखिए, आपने सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर दिया और उसके रिअपटेक को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ब्लॉक किया, जिससे साइनेप्स में सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगी। अब जो ये डेंड्राइटिक सेल्स या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में 5ST1A रिसेप्टर है उसने बढ़ते हुए सीरोटोनिन को सेंस किया, वह एक्टिवेट हुआ और उसने फायरिंग रोक दी। फायरिंग रोक दी मतलब इससे ये जो रिलीज हो रहा है साइनेप्स में इसको रोक दिया, तो उससे सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ नहीं पाती। एक नियत मात्रा तक थोड़ा 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 वो बढ़ता है, उसके बाद में यह डिक्रीज फायरिंग स्टार्ट करता है 5ST1A रिसेप्टर, जिसकी वजह से फिर साइनेप्टिक क्लैप में सीरोटोनिन का रिलीज घट जाता है। लेकिन होता यह है कि चूंकि वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में सीरोटोनिन नहीं जा रहा है, तो धीरे 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 समय लेते हुए, जिस समय की हम बात कर रहे थे 1 सप्ताह 2 सप्ताह 4 सप्ताह 6 सप्ताह, उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है और चारों ओर सीरोटोनिन 5ST1A रिसेप्टर को घेर लेते हैं, जिससे होता यह है कि यह जो 5ST1A रिसेप्टर है इसका डाउन रेगुलेशन हो जाता है। डाउन रेगुलेशन मतलब धीरे धीरे ये रिसेप्टर नीचे की ओर चले जाते हैं और बढ़ते हुए सीरोटोनिन को सेंस नहीं करते, जिससे इसका एक्टिवेशन नहीं हो पाता, या सरल शब्दों में कहें तो ये 5ST1A रिसेप्टर अब रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाते, सेंसिटाइज नहीं रह जाते 5ST के लिए, डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव या डिक्रीज फायरिंग कंडीशन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की अब वो नहीं रह जाती। अब यह जो सीरोटोनिन का साइनेप्टिक क्लैप में रिलीज है वह अच्छी मात्रा में होने लगता है, और जिस वजह से फर्दर वह मल्टीपल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को इंगेज करता है और अपने एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को शो करता है। तो याद रखिए मित्रों, यदि आपको SSRIs दिया गया है तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की अवधि लग सकती है यह देखने में कि जो दिया गया ड्रग SSRI है वह आपके डिप्रेशन में काम कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। एक और बात जो ध्यान देने की है, जो मैंने पिछले वीडियो में ब्रीफ किया था, कि SSRIs तभी काम करेंगे जब L-ट्रिप्टोफान से सीरोटोनिन की उपलब्धता आपके न्यूरॉन में होगी। यदि सीरोटोनिन की बहुत 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 अधिक कमी आपके न्यूरॉन्स में हो जाती है तो दरअसल
या जो SSRI काम कर रहे हैं वह सीरोटोनिन के अवेलेबल अमाउंट में ही कर रहे हैं। यदि वह अमाउंट ही बहुत कम हो जाएगा तो जो SSRIs हैं वह अपना एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार की अन्य जानकारी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। आपसे उम्मीद यही है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर SSRIs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक है तो हमें अलग अलग किस्म के SSRIs की जरूरत क्यों पड़ती है। और आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप कमेंट में इसका आंसर करें कि आपको क्या लगता है कि अगर एक SSRI हमने प्रिस्क्राइब किया, मान लीजिए फ्लो ऑक्सिटिन प्रिस्क्राइब किया और 2 से 8 सप्ताह बीतने के बाद में भी उसका असर नहीं आया, तो क्या हमें दूसरा किसी SSRIs को उपयोग में लाना चाहिए या फिर किसी अन्य कैटेगरी के एंटी डिप्रेसेंट जैसे SNRI, जैसे मॉल इनहिबिटर या TCA, ऐसे किसी दूसरे ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट का प्रयोग करना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू।